जैसी हमारी ट्रेनें सुपर फास्ट चलती हैं, वैसे ही हम आपको इस वीडियो में बताएंगे सुपर फास्ट इन्फॉर्मेशन ट्रेन्स के बारे में। तो आपको हम बता देते हैं, जो इंडियन रेलवेज़ है वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ इसे कंट्रोल करता है। फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है हमारा पूरी दुनिया का, और जो हेडक्वार्टर है इंडियन रेलवे का वो न्यू दिल्ली में है। और आपको हम बताते हैं इंडियन रेलवे का रेवेन्यू कितना है। इंडियन रेलवे का रेवेन्यू है 1.97214 ट्रिलियन रुपीज़, यानी 28 बिलियन डॉलर, यानी 28 अरब USA डॉलर 2018-19 का जो रेवेन्यू था इंडियन रेलवे का। और अगर हम इसे रुपए में कैलकुलेट करें तो 60.14 बिलियन रुपीज़, यानी 60 अरब रुपए से ज़्यादा का जो है रेवेन्यू हुआ इंडियन रेलवे को। इंडियन रेलवेज़ की जो डिवीज़न है वो 18 डिवीज़न्स है, 18। और जो इंडियन रेलवे की वेबसाइट है वो है www.indianrail.government। और 8th पॉइंट, जो इंडियन रेलवे है ये ऑपरेट हुई थी सबसे पहले 8 मई 1845 को, मतलब 8 मई को 1845 को। और इलेक्ट्रिफिकेशन इंडियन रेलवे की हो चुकी है 37,359 किलोमीटर की, यानी 37,359 किलोमीटर जो ट्रैक है इंडियन रेलवे का उसकी इलेक्ट्रिफिकेशन कर दी गई है मार्च 2020 तक। और इंडियन जो इंडिया जो यूज़ करता है, मतलब अगर बात करें लोकोमोटिव्स, यानी जो रेल के इंजन्स होते हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं, डीजल वाले भी यूज़ होते हैं और इलेक्ट्रिक एनर्जी से चलने वाले, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलने वाले भी यूज़ होते हैं, और कुछ CNG के इंजन भी यूज़ होते हैं। जैसे कुछ जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे काम करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी से काम करते हैं, वो है WDM-3A। इसकी जो पावर है वो है 3,100 हॉर्स पावर। और एक है WDM-3D, इसकी जो पावर है वो है 3,400 हॉर्स पावर। और एक है WDM-3F, इसकी पावर सबसे ज़्यादा है, इसकी पावर है 3,600 हॉर्स पावर। और ये शताब्दी, राजधानी जैसी बड़ी ट्रेनों पे ये इंजन, ये लोकोमोटिव्स लगाए जाते हैं। अब ये क्वेश्चन ये उठता है कि इंडियन रेलवे की जो इंजन्स हैं लोकोमोटिव से, ये बनते कहाँ हैं। जो लोकोमोटिव्स हैं इंडियन रेलवे के वो बनते हैं चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स है। ये चितरंजन जो जगह है ये वेस्ट बंगाल में है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स बनते हैं, यानी बिजली से चलने वाले इंजन बनते हैं। और एक और फैक्ट्री है जो है डीजल लोकोमोटिव वर्क्स, ये वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में है, यहाँ पे डीजल के इंजन बनाए जाते हैं। और 13 पॉइंट जो हम बता रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव फैक्ट्री है एक और, जो कि बिहार में है, वहाँ पे भी इंजन बनते हैं। और 14 पॉइंट, डीजल लोकोमोटिव जो है वो पंजाब में बनते हैं, पटियाला में, वहाँ पे भी डीजल लोकोमोटिव की फैक्ट्री है। और जो ट्रेन के डिब्बे हैं यानी कोच, ठीक है, वो कहाँ बनते हैं। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है चेन्नई में है, तमिलनाडु में। रेल कोच फैक्ट्री है पंजाब में, कपूरथला में। मॉडर्न कोच फैक्ट्री है रायबरेली में, उत्तर प्रदेश में। और कोच मैन्युफैक्चरिंग जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो वेस्ट बंगाल में है। और जो ट्रेन के जो पहिए हैं, रेल व्हील, वो बैंगलोर में बनते हैं, कर्नाटका में। रेल व्हील फैक्ट्री जो है वो है बैंगलोर, कर्नाटका में। और रेल व्हील की एक और जो है एक और प्लांट है जो कि बिहार में है। अब हम आपको बताते हैं इंडियन रेलवे के ट्रैवल क्लासेस, यानी कौन कौन सी ट्रेनें हैं जो चलाई जाती हैं, और वर्ल्ड की टॉप क्लास की ट्रेनें ये मानी भी जाती हैं। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस, गरीब रथ एक्सप्रेस, डबल डेकर एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, हमसफर एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, युवा एक्सप्रेस या वंदे भारत एक्सप्रेस। और कौन कौन सी क्लासेस हैं रेलवेज़ की जो मतलब सर्विस में प्रोवाइड करता है। फर्स्ट एसी, ये सबसे महंगी होती है, फर्स्ट एसी एक्सपेंसिव है पर ये लग्जरियस क्लास भी बहुत है, इसमें एसी वगैरह की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। फिर दूसरा है सेकंड क्लास, इसमें एयर कंडीशनर होती है, इसमें भी वैसी ही फैसिलिटी है पर थोड़ी कम होती है फर्स्ट एसी से। और थर्ड एसी, ये इसमें भी काफ़ी मतलब फैसिलिटीज़ होती हैं। और भी कई क्लासेस हैं, स्लीपर क्लास होगी, सेकंड सीटर होगी, जनरल क्लास भी होगी। जनरल क्लास की एक स्पेशल बात यह है, इसका अगर आप एक बार टिकट ले लेते हैं तो 24 घंटे तक वैलिड होता है, और हर एक ट्रेनों के लिए वैलिड होता है, उस रूट में चलने वाली हर ट्रेन में वैलिड होता है। पर इसमें रिजर्वेशन नहीं कर सकते, मतलब ये अनरिजर्व टिकट होता है जनरल क्लास का। और हम कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेनों की बात करते हैं, जैसे कुछ सुपर फास्ट एक्सप्रेस ट्रेनें जो चलती हैं उनकी स्पीड होती है 100 से लेकर 110 किलोमीटर प्रति घंटे तक, और एवरेज स्पीड होती है 55 किलोमीटर पर आवर तक। और जो कुछ एक्सप्रेस ट्रेनें होती हैं उनकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आर मैक्सिमम होती है, और मिनिमम 36 किलोमीटर पर आर पे भी उनकी स्पीड हो जाती है अगर कोई सिग्नल की कोई दिक्कत हो। पैसेंजर ट्रेनें स्लो चलती हैं काफ़ी। अगर हम मेट्रो की बात करें तो मेट्रो सिस्टम सबसे एडवांस है रेलवे का, ये 21 सिटीज़ में है इंडिया की,
और ये कई मेट्रो स्टेशन इससे कनेक्टेड होते हैं। एसी एक्सप्रेस ट्रेनों की बात करें तो इनकी स्पीड 130 किलोमीटर होती है और ये मेन सिटीज़ को कनेक्ट करती हैं। वैसे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेनें और हैं जैसे वंदे भारत एक्सप्रेस, इसमें वाईफाई की फैसिलिटी है, स्नैक्स की फैसिलिटी है, सीसीटीवी कैमरे की फैसिलिटी है और भी कई फैसिलिटीज़ इसमें दी जाती है और इसकी स्पीड 200 किलोमीटर पर आर है और ये स्टार्ट हुई थी 15 फरवरी को 2019 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट की थी। तेजस एक्सप्रेस, इस ट्रेन की स्पीड होती है 200 किलोमीटर पर आर और मिनिमम 130 किलोमीटर पर आर। और एक गतिमान एक्सप्रेस भी है, इसकी स्पीड ये दिल्ली से झांसी चलती है और झांसी से दिल्ली चलती है, इसकी स्पीड 160 किलोमीटर पर आर है। शताब्दी एक्सप्रेस की भी स्पीड 150 किलोमीटर पर आर होती है, ये राउंड ट्रिप लगाती है जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से चंडीगढ़, ऐसे मतलब नज़दीकी सिटीज़ के बीच में ज़्यादा ही चलाई जाती है। राजधानी एक्सप्रेस की बात करें तो ये 140 किलोमीटर पर आर इसकी स्पीड है। ये सभी स्टेट की स्टेट कैपिटल से नेशनल कैपिटल को कनेक्ट करती है, यानी फॉर एग्जांपल जैसे चंडीगढ़ से दिल्ली या भोपाल से दिल्ली या ऐसे मेन जो जगहें हैं वहाँ से कनेक्ट होती है, जैसे मुंबई टू दिल्ली। दुरंतो एक्सप्रेस भी ट्रेन होती है, ये कनेक्ट करती है इंडिया के मेट्रो स्टेशंस को, और माफ़ कीजिएगा, ये कनेक्ट करती है मेजर जो इंडिया के जो मेट्रो सिटीज़ हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं जैसे कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली, मुंबई, इन्हें कनेक्ट करती है और स्टेट कैपिटल को कनेक्ट करती है आपस में। जैसे भोपाल से लेके मुंबई की बात करें या कोलकाता से लेके चेन्नई की बात करें तो इनके बीच में ये चलाई जाती है।